अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चिल्ला क्यों रही है? नेहा जी, इस फोन में मेरी बेगुनाही का सबूत है। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत आ गई। अगर अमृता का भांडा फूट गया तो मेरा सच भी बाहर आ जाएगा। रुचिता, तुम्हें जो दिखाना था तो हम देख चुके, हमें और कुछ नहीं दिखना, जाओ यहाँ से। नहीं पापा जी, वो वीडियो पूरा नहीं था, अधूरा था। ये पूरा वीडियो है। पूरा वीडियो मतलब? एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए निहार जी, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो दिखाओ। ये देखिए नहीं आज। हमारे टूटे विश्वास की तरह तुम्हारा ये सच भी टूटा है। कैसे टूटा? थैंक गॉड, लड़ते वक्त फोन की स्क्रीन टूट गई। इसमें तो मेरा सबूत था, ये खराब कैसे हो सकता है? रुचिता, मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? रुचिता, तुम्हारा फोन? हाँ, मैं कब से ढूंढ रही थी। अपनी बकवास बंद करो अमृता, आज मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाख कर रहूंगी। निहार जी, पापा जी, सच ये है कि दादी जी को अमृता ने सीढ़ियों से धक्का दिया था, मैंने नहीं। वीडियो के आखिरी में उसकी शक्ल साफ नजर आ रही है निहार जी, मैंने देखा है। इनफ रुचिता, मैं कुछ कह नहीं रही, उसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी बोलती रहोगी। कभी कहती हो मैंने तुम्हें फ्रिज में बंद कर दिया, आज कह रही हो कि मैंने दादी को सीढ़ियों से गिरा दिया। तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोच भी कैसे सकती हो रुचिता? निहार जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा सच भी तुम्हारे झूठ की तरह भयानक है रुचिता। कभी भगवान ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। सबको मेरे खिलाफ करने के लिए तुमने जो झूठा वीडियो बना के मेरे फोन से दिखाना चाहती थी ना, वो भी नहीं कर पाई क्योंकि फोन ही टूट गया। अब मुझे मेरा फोन वापस करो। थैंक गॉड, बच गई। एक बात बताओ रुचिता, कहीं ये फायर अलार्म तुमने ही तो नहीं बजवाया था? ताकि हम सब बाहर चले जाए और तुम मेरा फोन लेके मुझे फंसा सको और वो नकली वीडियो मेरे फोन में डाल सको।
यही प्लान था ना तुम्हारा रुचिता? छी रुचिता, मैं सोच भी नहीं सकती तुम इतना गिर जाओगी। निहार जी, निहार जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई झूठा वीडियो नहीं बनाया। मैं उसमें अमृता की शक्ल थी, मैंने खुद देखा है निहार जी उसमें। रुचिता, दिक्कत क्या है तुम्हारी? क्यों मेरी बहन तुम्हें खटक रही है? क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? रुचिता, फायर अलार्म तुमने बजाया था? जवाब दो। तमाशे को खत्म करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हद हो गई रुचिता, आधी रात को इस तरह से फायर अलार्म बजा के हम सबको डरा करके तुम्हें शर्म नहीं आई? पापा जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं दादी जी, आप शांत हो जाइए। दादी, रितु बेटा प्लीज इन्हें अंदर ले जा। तुम्हारी वजह से हमें माँ को इस हालत में बाहर लाना पड़े। उन्हें इस हालत में पहुंचा कर भी तुम्हें शांति नहीं मिली, क्या उन्हें इस तरह से परेशान कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। हमने तुम्हें इस घर की लक्ष्मी समझा और तुमने क्या किया? चली जाओ हमारी नजरों के सामने से और इस दहलीज के अंदर मत आना। बहुत हो गया तुम्हारा रुचिता, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, जाओ यहां से, जाओ रुचिता, और आइंदा ऐसी हरकत करने की जुर्रत भी मत करना, जाओ। सॉरी निहार जी। रात को किसका फोन है? हेलो, हाँ, अरे इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? अरे भाई, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया कैसे? हमारी घर आई लक्ष्मी वापस कैसे गई? स्मार्ट गेम खेला फिर भी हार गई रुचिता। जब रात गहराती है अमृता, तो समझ जाना चाहिए कि सवेरा ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तुम अपने सवेरे का इंतजार करो, क्योंकि मेरी सुबह तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुम इस घर से बाहर गई। मुझे निहार जो मिल गया,
निहार जी की धड़कन मेरी जिंदगी का किस्सा है, वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है अमृता। सिर्फ शब्दों तक का रिश्ता नहीं है हमारा, उनकी रूह से रूह तक का रिश्ता है, जिसे तुम्हारी जैसे हजारों चाले भी तोड़ नहीं सकती। भले ही अभी भी किसी ने मेरा यकीन ना किया, लेकिन इस हार में भी मेरी जीत हुई। अब दो मेरा फोन वापस, अब मुझे मेरा फोन वापस करो। लेटे तो कमर अकड़ गई है, थोड़ा चल लेती हूँ। ये अमृता भी पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी जोर की भूख लगी है मुझे। ओके डॉक्टर जी, आप वीडियोस भेज दीजिए, मैं दादी को एक्सरसाइजेस करवा देता हूँ। डॉक्टर ने एक्सरसाइजेस के कुछ वीडियोस भेजे, उन्होंने कहा है कि अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलिए मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा देता हूँ। दादी आपका खाना। तुम दादी के लिए इतना सारा खाना क्यों लेकर आई हो? डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली उन्हें लिक्विड डाइट देने के लिए कहा है। वो एक्चुअली वो मैं सिर्फ दाल दादी के लिए लेके आई हूँ, बाकी का खाना मेरे लिए है, सोचा उनके साथ बैठ के खा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है उनके सामने बैठ के खाना खाने की, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ओके भगवान, ये नौटंकी तो बहुत महंगी पड़ रही है, पता नहीं रुचिता कब निकलेगी इस घर से। क्या करूं, कैसे लाऊं अमृता का सच सबके सामने। मम्मी का फोन? हे भगवान, मम्मी तो मेरी आवाज़ सुन के समझ जाएंगे कि मैं कितनी परेशान हूँ। क्या करूँ, कैसे छुपाऊँ इनसे सच। हाँ मम्मी, क्या हुआ तुझे, तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है, रात भर ठीक से सोई नहीं क्या? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो कल महाशिवरात्रि है ना, तो पूरी रात उसी की तैयारी में लगी रही, इसलिए देर से सोई। हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई होगी। अच्छा, तू अच्छे से तैयारी करना। हाँ, शादी के बाद तेरी पहली शिवरात्रि है ना, शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या की थी, पर तेरी किस्मत तो उन्होंने सोने की स्याही से लिख कर भेजी है, तभी तो तुझे निहार जी जैसा अच्छा पति मिला है। देख बेटा, रिश्ता तो उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन तू इसे निभाने में कोई कसर मत छोड़ना। हम्म? हाँ मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने और निहार जी के रिश्ते पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा।
ये मेमोरी कार्ड मेरी आखिरी उम्मीद है। इसे हर हाल में मैं निहार जी तक पहुंचा कर रहूंगी। पापा जी, आपका ब्रेकफास्ट। थैंक यू बेटा। पापा जी, माँ का फोन आया था, वो दादी जी अच्छे से ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, इसीलिए मंदिर में 100 बार जाप करा रही है, तो शायद उन्हें आने में लेट होगा। ठीक है बेटा। अच्छा हुआ प्रियू से मैंने ये कार मंगा ली, अब ये मेमोरी कार्ड मैं निहार जी तक पहुंचा कर रहूंगी। कार कहाँ गई, दिख क्यों नहीं रही? ये प्रियो भी ना, तो प्रियो तो स्कूल में है, फिर टॉय कार कौन चला रहा है? निहार जी, इस कार के अंदर मेरी बेगुनाही का सबूत है। क्या हुआ निहार, तुमने यहाँ सबको क्यों बुलाया? मुझे ऐसा कुछ मिला जिससे दादी के गिरने का सच बाहर आएगा। बस खत्म करो ये, हमने जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया, अब और कुछ नहीं। पापा, रुचिता ने इतनी उम्मीद से हमें ये सबूत दी है, तो देखने में क्या हर्ज है, क्या पता कुछ सच बाहर आ जाए। हाँ पापा जी, निहार भैया सही तो कह रहे हैं, रुचिता को एक आखिरी मौका देकर देख लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो।
कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। अंदर सब ठीक तो है ना? ये कैसी आवाज थी? मैं उठूं कि नहीं उठूं? आप लोग ठीक है ना? ये भेजा है, ये भेजा रुचिता ने। इतना घटिया मजाक, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा घटिया मजाक करने की? पापा मुझे नहीं लगता उसने ये भेजा होगा, जरूर टीवी में कुछ फॉल्ट होगा। पर निहार, मैं तो थोड़ी देर पहले ही टीवी देख रही थी, तब तो टीवी सही था। और अभी जब तुमने कार्ड लगाया था तब भी तो काउंटडाउन आया ना। आई थिंक रुचिता ने ये सब जानबूझ के किया है, पहले वो काउंटडाउन और फिर ब्लास्ट। आज तो सारी हदें पार कर दी है रुचिता ने। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, वरना न जाने क्या हो जाता आज।